वेट गेन, वेट गेन वेट लॉस करने से ज्यादा कठिन है। जी हां, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं कि अगर एक कोई मोटा इंसान है वो पतला होना चाहता है, वहीं पर एक पतला इंसान अपनी हेल्थ बनाना चाहता है, तो ये जो प्रोसेस है वेट गेन की, ये अपने आप में बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है, लेकिन इसको बहुत आसान बनाया जा सकता है सिर्फ एक चीज से, और वो है इसका प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर नॉलेज, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मेडिकल साइंस के क्या वो फैक्ट हैं जो कि एक डॉक्टर्स को मालूम होते हैं, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपकी जो वेट गेन की जर्नी है ये बहुत आसान होने वाली है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं वेट गेन के बारे में तो आपको लगता है कि बस फैट वाली चीजें खाना चालू कर दें, जो कि 100% गलत है। आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको वेट गेन करना है या आपको फैट गेन करना है। देखिए, फैट गेन का मतलब यह है कि आपका पेट निकल आएगा और आपके गाल फूल जाएंगे और आपकी बॉडी जो है बर्बाद होने वाली है और आपके ऑर्गन्स, हार्ट, लिवर, किडनी, ये सब डैमेज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक हेल्दी फिट बॉडी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक पतले दुबले इंसान से आपका 10-20-30 केजी वेट बढ़ जाए और आप मस्कुलर दिखने लगें, आपके मसल्स इनहेंस हो जाएं, आपके जो सीना है, छाती है, ये चौड़ी हो जाए और आप हेल्दी लगने लगें, आपकी जो बॉडी में कपड़े हैं वो भी आपके ऊपर जचने लगें, तो अगर इस तरीके से आप वेट गेन करना चाहते हैं तो सही जगह आए हैं। मैं आपको प्रॉपर नॉलेज देने वाला हूं, लेकिन उसके पहले जो है आपको कुछ सवालों के जवाब अगर मिल जाएंगे, आप कुछ बेसिक साइंटिफिक टर्म जान जाएंगे, तो आपकी जो जर्नी है ये बहुत आसान हो जाएगी। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये कि कैलोरी क्या होती हैं? कैलोरी का सबसे बड़ा रोल है। जी हां, अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं या वेट लॉस भी करना चाहते हैं, आपको कैलोरी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो कैलोरीज होती हैं ये आपकी बॉडी में सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। एक दिन में कितनी कैलोरी लें, सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है, अगर आप इसको जान गए कि एक दिन में कितनी कैलोरीज लेना है तो फिर यह जर्नी और आसान हो जाती है। तीसरा सवाल हमारा है, खाया पिया क्यों नहीं लगता। मेरा एक दोस्त है, वो मुझे मैसेज करता है कि भाई ये बताओ, तुम तो मेडिकल साइंस की स्टडी करते हो, तुम तो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो भाई, तो तुम हमको ये बताओ कि हम लोग जो खा पी रहे हैं ये हमारे शरीर में क्यों नहीं लग रहा, हम क्यों पतले हैं, हम क्यों नहीं हेल्दी हो जा रहे। वहीं पर मेरा एक दोस्त पर्सनली मुझको मैसेज करता है कि भाई मैं कुछ भी थोड़ा बहुत खा लेता हूं मैं मोटा हो जाता हूं, जिम छोड़ता हूं फिर मोटा हो जाता हूं, तो मैं क्या करूं। तो ये सारा रोल जो है कैलोरी का है, इसके बारे में बात करेंगे। और खाया पिया शरीर में क्यों नहीं लगता और कुछ लोगों के क्यों लग जाता है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आखिर क्या खाएं कि हम भैया मोटे हो जाएं, हेल्दी हो जाएं। मोटे से मतलब ये है हेल्दी हो जाएं, ठीक है ना। अगला, एक्सरसाइज क्या करें। सबसे ज्यादा तो लोग यही पूछते हैं कि एक्सरसाइज क्या करें, क्या जिम जाने से हम हेल्दी हो जाएंगे। तो देखिए, सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं, परेशान ना होइए, जिम जाइए चाहे मत जाइए, आपको मैं हेल्दी बनाकर रखूंगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। देखिए अगला क्या है, अगला है आखिर क्या करें कि वजन बढ़े। वजन बढ़ाने के लिए आखिर क्या करें, वो सारी बातें बताने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, कैलोरीज क्या हैं। तो देखिए, हम कुछ भी खाते हैं, जो हम कुछ भी फूड खाएंगे, हम कोई भी खाना खाएंगे, तो इसके अंदर स्टोर्ड जो एनर्जी है उसे हम जिस यूनिट में नापते हैं उसे हम कहते हैं कैलोरीज। क्या कहते हैं? कैलोरीज। क्या कहते हैं? कैलोरीज। तो बेसिकली हम कुछ भी खा रहे हैं, हम कुछ भी बॉडी के अंदर ले रहे हैं, उसको हम किस में नाप रहे हैं? कैलोरीज में। यानी आप बेसिकली कुछ भी खा रहे हैं यानी आप कैलोरीज ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कैलोरीज ले रहे हैं। जैसे वाटर, पानी। अब पानी के अंदर कितनी कैलोरीज हैं? तो आपको 0 कैलोरीज मिलेंगी। यानी अगर आप पानी पी रहे हैं तो आपको कैलोरी कितनी मिल रही है? 0। और आपका पेट भरा हुआ है। तो जो लोग ज्यादा पानी पीते हैं, तो वो लोग बेसिकली, अगर जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो लोग पानी ज्यादा पिए और खाना कम खाएं तो क्या होगा? लो कैलोरी में चले जाएंगे। लेकिन आपको तो वेट गेन करना है तो क्या आप कम पानी पिएंगे? नहीं भाई, पानी सबको पीना है, ठीक है। तो ऐसी वीडियोस लोग बहुत बनाते हैं, मुझे देख के हंसी आती है, इसलिए मैंने इस पे जो है एक पॉइंट आपको दे दिया। तो याद रखिएगा, कैलोरीज कुछ नहीं है बल्कि जो आप खा रहे हैं उसके जो अंदर स्टोर्ड एनर्जी है उसे हम आम भाषा में क्या कह रहे हैं? कैलोरीज कह रहे हैं, ठीक है। यह आप थोड़ी बात याद रखिएगा। आता है, हाउ मेनी कैलोरीज इन वन डे, एक दिन में आपको कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, जो कि मैं आपको तुरंत ही इसको सॉल्व करके बताता हूं। देखिए, पहला क्या है, एज। आपकी उम्र कितनी है इस पे डिपेंड करता है कि आपको एक दिन में कितनी कैलोरी लेनी है। वहीं अगला है सेक्स, आप एक फीमेल हैं, आप एक मेल हैं, आप मर्द हैं कि औरत, इस पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी कैलोरी लेनी है। आमतौर पर मर्द क्या होते हैं, मेल्स ज्यादा काम करते हैं, है ना, चलते फिरते हैं, बाहर घूमते हैं, खेलते कूदते हैं, दौड़ते फिरते हैं,
एज कंपेयर टू फीमेल, क्योंकि उनका काम ज्यादातर क्या होता है, घर पर रहता है। मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूं, ठीक है ना, वहीं पर कुछ फीमेल एक्सेप्शन भी हो सकती हैं। तो आमतौर पर जो बेसिकली मेल है उसकी नीड ज्यादा होती है कैलरीज की एज कंपेयर टू फीमेल, और मेल की जो बॉडी होती है वो नेचुरली जो उसका BMR है वो हाई होता है एज कंपेयर टू फीमेल। अगला है वेट, आपका वजन बताएगा कि आपको कितनी कैलोरी चाहिए। अगर आपका वेट कम है तो आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट भी कम होती है, अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपको कैलोरी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है। यानी आपका वेट अगर कम है आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी कैलोरी इंटेक क्या होना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपनी कैलोरीज डाइट में और ऐड करनी पड़ेंगी, यानी आपको खाना खाना पड़ेगा। तो वो कौन सा खाना है जिसको खाने से हमारी डाइट में कैलोरीज ज्यादा आए और हमारा वेट जल्दी से बढ़ जाए, तो देखिए बताते हैं। वर्क, आपका काम क्या है, आपके ऊपर कितना लोड है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपको कितनी कैलोरीज लेनी है। और भी कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, परेशान बिल्कुल मत होइए। अगर आप चाहते हैं एग्जैक्टली कि आपको एक दिन में कितनी कैलोरीज खानी है, इसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए, अपनी बॉडी का वेट और अपनी एज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको बता देंगे कि आपको कितनी कैलोरीज एक दिन में चाहिए हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला जो हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो ये कि खाया पिया क्यों नहीं लगता, हम कितना भी खा लें हमारे शरीर में लगता ही नहीं है, जिसके कारण हम पतले हो गए हैं, हम कमजोर हो गए हैं, हमारी ये पसलियां दिखने लगी हैं, हमारे कपड़े ढीले पड़ने लगे हैं, और हमें जो है हेल्दी होना है और इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो है भैया वीक डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, अगर आपका जो बेसिकली पाचन तंत्र कमजोर हो गया है, आप कुछ भी खा रहे हैं आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, डाइजेस्ट हो जाता है तो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता, आपकी बॉडी खाने से जो है बेसिकली न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रही है, एनर्जी ही नहीं ले रही है, कैलोरीज ही नहीं ले रही है, तो कहां से आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी, कहां से आपकी बॉडी में भाई साहब मसल बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो आपका अगर डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक कैसे करना पड़ेगा, आपको अपनी डाइट में तीन चीजें ऐड करनी है। कितनी चीजें ऐड करनी है बोलो मेरे साथ, तीन चीजें ऐड करनी है। नंबर वन, आपको अपनी डाइट में फाइबर्स ऐड करने हैं। फाइबर्स बेसिकली हमारे खाने को पचाने में हेल्प करते हैं, हमारे डाइजेशन को अच्छा करते हैं, और वहीं अगर आपको डायरिया जैसी समस्या है, कॉन्स्टिपेशन कब्जियत हो जाती है, अगर आपको पाइल्स जैसी समस्याएं हैं, तो उस केस में जो फाइबर्स हैं इन सारी चीजों से आपको बचाते हैं, आपके पेट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं। अब ये फाइबर्स कहां मिलेंगे, तो ये फलों में भर भर के मिलते हैं, गूगल में सर्च कर लीजिए, आपको आराम से पता चल जाएगा कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए फाइबर्स रिच हैं, फाइबर से भरपूर हैं। अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। अगला जो है नंबर टू वो ये कि आपका जो ब्रेकफास्ट है, जो आप सुबह नाश्ता करते हैं, इसमें आप क्या करिए, इसमें आपको हाई कैलोरीज रिच वाली चीजें ऐड करनी है। जैसे आप दलिया खा सकते हैं, दलिया जो है हमारे पाचन के लिए डाइजेशन के लिए तो बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ ये कैलोरीज रिच होता है, इसमें भर भर के कैलोरीज होती हैं जो आपके वेट गेन में बहुत हेल्प करती हैं। तो दलिया अपनी डाइट पर ऐड करिए, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नंबर थ्री होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, चावल ही खाते रहते हैं, उनको लगता है चावल खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। तो देखिए, एक तरह का खाना नहीं खाना है आपको, आप चावल खाइए, आप जो है बेसिकली चपाती रोटी खाइए, चपाती के साथ साथ जो है आप बेसिकली पोटैटो खा सकते हैं, पोटैटोस के साथ साथ ये जो बेसिकली हैं सारे के सारे ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी ये कार्ब्स हैं, ये सिर्फ आपको एनर्जी देंगे, आपके मसल बनाने में हेल्प नहीं करेंगे। तो इसके साथ साथ लोग क्या गलती करते हैं, वो लोग प्रोटीन नहीं लेते हैं, तो आपको अपने डाइट में प्रोटीन भी ऐड करना है। तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करो, उसके लिए फाइबर्स खाओ, फल खाओ, और अपने खाने को बदलते रहो, और खाने में क्या ऐड करो, प्रोटीन ऐड करो। सिर्फ फैट खाने से, रोटी रोटी खाने से आपका पेट निकल आएगा, आप हेल्दी नहीं होंगे, फिर आप परेशान होंगे और वीडियो सर्च करेंगे यूट्यूब में कुछ दिन बाद कि भैया वेट लॉस कैसे कम करें, फैट लॉस कैसे कम करें, और खास करके पेट कैसे कम करें, बेली फैट कैसे कम करें, टमी कैसे कम करें, तोंद। तो भाई साहब, इन सब चीजों से बचना चाहते हैं तो प्रॉपर इस वीडियो क्लास तक जरूर देखिए, आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा, और जो खास करके जो लोगों की गलतियां हैं उससे आप बच सकते हैं। अगला है हमारा क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज क्या है, जिन लोगों को लंबे समय से कोई बीमारी है, लंग्स में इन्फेक्शन है, किडनी में इन्फेक्शन है, या उनकी लंबे समय से 3-4-6 महीने से लगभग जो है कम से कम 6 महीने से 3 से
छह महीने से किसी चीज की दवा चल रही है, उनको लंबे समय से टाइफाइड हो रखा है या कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को भी खाया पिया शरीर में नहीं लगता है। तो आपकी जैसे ही दवाइयां खत्म हो जाएं, हमारी वीडियो में बताई गई बातों को जरूर फॉलो करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगला जो है हमारा वो है लिवर प्रॉब्लम। आपका जो लिवर है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे मेन लैब है। आप कुछ भी खा रहे हैं, आपका लिवर उसको टेस्ट करता है, उसकी रिपोर्ट बनाता है, उसकी जांच बनाता है, फिर खाने को अलाउ करता है बॉडी को लेने के लिए कि बॉडी इसको तुम ले सकती हो। और वहीं पर जो इसके अंदर टॉक्सिकेंट्स हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, उसको फिल्टर करता है, उसको साफ करता है, उसको जो है बेसिकली प्योर करता है इम्प्योर से, जो कि आपकी बॉडी के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आपका लिवर का फंक्शन सही नहीं है, लिवर ही नहीं सही से काम कर रहा है, तो आप कितना भी खा ले आपके शरीर में नहीं लगेगा। और लिवर को कैसे हेल्दी रखें, इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम जरूर इस पर वीडियो बनाएंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वो ये है कि मसल बिल्डिंग हमारा जो मेन टॉपिक है आज के हमारी जो बेसिकली वीडियो का, वो ये है कि वेट कैसे गेन करें। तो वेट का मतलब पेट कैसे गेन करें ये नहीं है, अगर आपको पेट गेन करना है तो उसके ऊपर वीडियो नहीं है। वेट गेन यानी बोले तो मसल। देखिए इसके लिए आपको कुल ये पांच चीजें करनी पड़ेंगी, वो भी प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हैं एक अच्छा वेट गेन करना, जिसमें जो सबसे पहला है वो है ऐड प्रोटीन इन डाइट। कुछ लोगों को लगता है कि भैया कार्बोहाइड्रेट फैट खा लेंगे, थोड़ा बहुत प्रोटीन खा लेंगे तो हमारी जो है हेल्थ अच्छी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपनी हेल्थ को बनाना चाहते हैं, यानी आप वेट गेन करना चाहते हैं, तगड़े मस्कुलर दिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक प्रोटीन जो है वो डाइट लेनी होगी। देखिए अगर कोई इंसान नॉर्मल रहना चाहता है अपनी जिंदगी में, नॉर्मली यानी वो क्या कर रहा, खा रहा पी रहा घूम रहा मस्त है, ठीक है, तो उसको एक ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना होता है। जैसे मान लो आप 50 किलो के हैं तो आपको नॉर्मली 50 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए है। अगर आप इससे कम ले रहे हैं तो फिर आपके शरीर में कुछ नहीं लगने वाला, आपका शरीर नहीं बनने वाला है। आप क्या चाहते हैं, वेट गेन करना, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना, तो आप जो है क्या करिए, अब आपको 1.5 ग्राम प्रोटीन रिक्वायर्ड है, यानी अगर आप 50 केजी के हैं तो अब आपको 75 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा, यानी अपनी डाइट में आपको क्या करना है, 25 ग्राम प्रोटीन और ऐड करना है, सो दैट आपकी जो मसल्स हैं वो ग्रो हो सके। ये सबसे बड़ा फंडामेंटल क्राइटेरिया है वेट गेन करने का, बॉडी बिल्डिंग करने का, मसल बनाने का। आप जो भी करना चाहते हैं कम से कम आपको ये टारगेट लेना है कि आपके 1 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से 1.5 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए है। इतना प्रोटीन अगर आप अपनी डाइट में ऐड करते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, अगर जिम नहीं जा सकते आप तो घर में कम से कम आप पुशअप्स मारिए, है ना, डंबल ले लीजिए, उससे क्या करिए डंबल मारिए, जो भी वीडियोस आपको बहुत सारी यूट्यूब मिल जाएंगी कैसे एक्सरसाइज करनी है, वो सारी चीज आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जिम जा सकते हैं तो कम से कम आपको ज्यादा नहीं बस 45 मिनट वेट ट्रेनिंग करनी है। लेकिन एक बात यह ध्यान देना है कि आपको कार्डियो नहीं करना है। कार्डियो का मतलब यह है कि आप अगर कार्डियो करते हैं तो उससे आपका वेट लॉस वाले फेज में चले जाते हैं, तो फिर आपकी जो बॉडी है वो गेन नहीं हो पाती। तो आपको क्या करना, वेट ट्रेनिंग यानी डंबल हो गई, बारबेल हो गई, मशीन्स हो गई, इनसे आपको वर्कआउट करना है, जिससे आपकी जो मसल है वो पंप होंगी और वो हैवी लगेंगी, ठीक है। तो ये बात हो गई। अगला है एटलीस्ट 8 आवर ऑफ स्लीप। और पता है हम लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ खाने पीने से हमारा वेट बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए, एक अच्छा वेट गेन करने के लिए प्रॉपर स्लीप बहुत जरूरी है। अगर आप कम सोते हैं तो आपकी बॉडी फिर वो क्या करेगी, रिकवरी नहीं कर पाएगी और फिर खाया पिया आपके शरीर में नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लेनी है, और ऐसी नींद लेनी है जिसमें आपको डिस्टर्बेंस ना हो, बार बार आप जगे नहीं। नंबर 4, अवॉइड लेट नाइट स्क्रीन्स। कुछ लोग क्या करते हैं कि खाते पीते तो बहुत है, हेल्दी रहना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि 3-4 बजे तक वो फोन ही चला रहे हैं, लैपटॉप ही चला रहे हैं। तो देखिए रात में आपको 12 बजे के बाद फोन चलाना बंद करना होगा, इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी। ये मेरी एक एक्स्ट्रा टिप है आपके लिए, अगर आप रखना चाहें तो बहुत अच्छा, वरना अपनी आदत को धीरे धीरे चेंज करिए, है ना, क्योंकि जो आदत बिगड़ जाती है वो एकदम से चेंज नहीं होती है।
लास्ट है स्टे हाइड्रेटेड, पानी आपको पीते रहना है घूट घूट भर के, एक बार में आधा लीटर एक लीटर पानी नहीं पीना है, आप घूट भर भर के आराम आराम दिन में 4 से 6 लीटर पानी आराम से पीजिए, 3 से 4 लीटर पानी तो आपको पीना ही पीना है, क्योंकि जो पानी है ये आपकी बॉडी में आपके वेट गेन में और वेट लॉस में दोनों में हेल्प करता है, डिपेंड करता है कि आप किस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। तो याद रखिए आपको 5 काम करने हैं, पहला डाइट में प्रोटीन ऐड करना है, कार्बोहाइड्रेट खूब दबा के खाना है, रोटी चावल आलू ये सब चीजें खाओ, मैदा नहीं खाना है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्या है, अगला एक 45 मिनट का वर्कआउट कर सकते हैं, घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके बाद में पानी खूब पीना है, दबा के पीना है, और हाँ स्लीप अच्छे से लेनी है, अच्छे से सोना है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा हमारा चैनल, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा सो दैट हमें भी अच्छा लगे कि हाँ हमने आपकी जो हेल्प की इस वीडियो से आपको वो पसंद आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी स्टे फिट, जय हिंद।